हेलो गाइस, दिस अजितांशु और आप सभी को फिर से स्वागत है वाइल्ड ट्रिप में। अभी हम हैं संबलपुर में और निकल रहे हैं देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो संबलपुर से सिर्फ 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे हम नाइट स्टे के लिए नेचर कैंप बुक किया है, तो आइए मिलके देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक्सप्लोर करते हैं। ये जो है वो तो मेरा तो फेवरेट प्लेस है, 3-4 बार जा चुका हूँ, फिर भी मन नहीं भरता। और सब लोग बोलते हैं कि नेचर से ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं होता। चलिए आपको उस ब्यूटीफुल नेचर को दिखाने के लिए लेके चलते हैं आज देवरीगढ़ में। बहुत अच्छा जगह है, अमेजिंग प्लेस है, आप एक बार हम एक्सप्लोर करते हैं। ये मेरा 5th टाइम है तो फिर भी जा रहा हूँ, तो उसका मतलब कुछ तो अच्छा ही होगा वहीं पे। तो सेंचुरी के हिसाब से भैया जी का गेटअप भी हुई है। तो दोस्तों, रात को हमारा बारबेक्यू का प्लान है वहाँ पे, तो अभी हम उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन कर रहे हैं। चिकन को पहले मैरिनेट कर रहे हैं और शाम तक रखेंगे और वहीं पे बारबेक्यू करेंगे। नॉर्मली तो नेचर कैंप में बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, पर इस बार हम कुछ अलग करने का सोचते हैं और चिकन रोस्ट बनाने का प्लान करते हैं, जिसकी तैयारी हम घर से ही शुरू कर दिए थे। चिकन को मसाले और कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ मैरिनेट करके उसको लेके जाते हैं हम देवरीगढ़ नेचर कैंप। संबलपुर सिटी से निकल के हीराकुद डाइक देके हम पहुंच जाते हैं देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एंट्रेंस, जहाँ पे हम अपनी बुकिंग की डिटेल शो करते हैं और उसके साथ व्हीकल फीस भी देते हैं। एंट्रेंस में हमें पता चलता है यहाँ एक रॉयल बेंगल टाइगर भी साइट हुआ है। तो दोस्तों, एज यूजुअल सेंचुरी में जो एंट्री फॉर्मेलिटी होती है और जो उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगता है, वो कंप्लीट करके हम अभी पहुंचने वाले हैं नेचर कैंप, जो कि एंट्रेंस है, देवरीगढ़ एंट्रेंस से बस 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और एक चीज़ आपको बता दें दोस्तों, कि यहाँ पे आप जब जा रहे हो गाड़ी में नेचर कैंप तक, मतलब जंगल में, जंगल के थ्रू, तो गाड़ी से उतरना अलाउड नहीं है और एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये ध्यान रखना, आप गाड़ी से कभी मत उतरना। अगर कुछ भी आपको जानवर साइट हो तो भी आप गाड़ी में बैठ के ही देखें, गाड़ी से मत उतरिए। घने जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाते हैं अपना नेचर कैंप। देवरीगढ़ नेचर कैंप में सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ 14 लग्जरी कमरे हैं। ऑल द रूम आर वेल फर्निश्ड एंड आर विद क्लासी फर्निशिंग टू मेक नाइट स्टे कंफर्टेबल। बेसिकली देवरीगढ़ फेमस है बाइसन के लिए, जो कि विलुप्त प्राणी है आज के दिन में, और उसके बाइसन के नाम पे हम यहाँ ठहरे हुए हैं। उसी ब्लॉक का नाम बाइसन ब्लॉक रखा गया है। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं देवरीगढ़ नेचर कैंप में और रूम कुछ ऐसा है, लेट मी शो यू। रूम का एम्बियंस काफ़ी अच्छा है दोस्तों, बहुत स्पेशियस है और काफ़ी अच्छा है रूम का एम्बियंस। और उसके साथ एक बढ़िया सी चीज़ है, हमें दिया गया है बालकनी। अभी तो कुछ खास नहीं लगेगा ये, पर रात को अंधेरे में शायद हम देख सकते हैं कुछ जंगली जानवर, तो होप फॉर द बेस्ट। तो अभी रूम में पहुंच के थोड़ा सा फ्रेश होके हम अभी निकल रहे हैं लंच के लिए, और लंच हमारी बुकिंग जो है, बुकिंग में इंक्लूड है, कॉम्प्लीमेंट्री है लंच डिनर ब्रेकफास्ट, जैसे कि हर नेचर के में होता है। थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि हम देखते हैं हमारे स्वागत में था एक इंडियन रॉक पाइथन। देवरीगढ़ नेचर कैंप की यही खासियत है दोस्तों, कि आप यहाँ रोमांचक और साहसिक अनुभव के साथ वाइल्ड लाइफ के बीचों बीच रुकेंगे, जो कि आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देगी।
यहाँ का डाइनिंग एरिया भी अपने आप पे एक टूरिस्ट स्पॉट है जो कि बसा है महानदी के किनारे। डाइनिंग कुछ ऐसा है यहाँ का, काफी अच्छा है ये व्यू, ये नजारे के साथ आप यहाँ पे खाना खाएंगे। खाना आने में थोड़ा सा देरी था तो हम चले जाते हैं डाइनिंग हॉल के भीतर स्थित लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे एक छोटा सा लाइब्रेरी है जहाँ जंगल रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड बहुत सारी किताबें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, वाओ, यहाँ आप एकांत में शांति से घंटों बैठ सकते हैं। हमारी तरह बाकी गेस्ट लोग भी खाना का वेट कर रहे थे तो खाना आते ही सब एक साथ टूट पड़ते हैं। खाना बहुत लाजवाब था दोस्तों, जिसमें सबसे अच्छा था रिजर्वर से पकड़ी हुई ताजी मछली। वाह, मजा आ गया। खाना खाने के बाद हम थोड़ा टहलने के लिए निकलते हैं। ये नेचर कैंप में एक जेट्टी है जहां से हीराकुद रिजर्वर पर स्थित छोटे छोटे आइलैंड तक बोटिंग अवेलेबल है और ये बोटिंग बुकिंग में इंक्लूड होता है। हम पहले जंगल सफारी जाने का तय कर चुके थे तो बोटिंग के लिए सुबह प्लान करते हैं और कुछ देर वहां नेचर का आनंद लेते हैं। सो आप देख चुके हो, हम कुछ जगह आपको दिखाए हो चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे जो आगे है वो यू कैन सी यहाँ पे सनसेट पॉइंट है। अगर हम बोटिंग करके जाएंगे, आज तो हमारा प्लान नहीं है, अभी हमारा ट्रिप है सफारी का, लेकिन आज थोड़ा माहौल भी ऐसा नहीं है, वेदर जो है वो थोड़ा क्लाउडी है। नहीं तो वो जो दिख रहा है वहीं पे सनसेट आइलैंड है और वहाँ पे बैट आइलैंड है। तो सनसेट आइलैंड पे पूरा परफेक्टली दोनों पहाड़ों के बीच जो सनसेट होता है बहुत अच्छा व्यू आता है। 600 फुट पानी के ऊपर आप रहोगे और वहाँ पे आपको सनसेट ही दिखाई देगा। और उसके बाद जो बैट आइलैंड है वहाँ पे बहुत सारे बैट, वो जंगली जंगल के भीतर में बैट ही रहते हैं वहीं पे, तो इसलिए वहाँ को बैट आइलैंड कहा जाता है। हमारी सफारी के लिए वही गाड़ी आ गई है। पाइथन का हैंगओवर दिमाग में चल ही रहा था और निकल जाते हैं हम जंगल सफारी करने के लिए। बेसिकली ये सफारी का डिस्टेंस है 25 किलोमीटर जाना आना, और जो कि हमें लग जाएगा 3-3.5 घंटे। आज हमारा वाक्य प्रश्न मुद्रा में है क्योंकि सफर की शुरुआत में ही हमें दिखाई देते हैं बाइसन्स और उसके साथ और भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ। According to the record of Forest Department of Odisha, Devrigarh Wildlife Sanctuary has 12 species of amphibians, 39 species of odonates, 40 species of mammals, 85 species of butterfly, 41 species of reptiles, 42 species of fish and 28 species of spider. यहाँ आमतौर पर देखे जाने वाले कुछ जानवर होते हैं चौसिंगा, भालू, लोमड़ी, हाथी, चीता, हिरन, मॉनिटर लिजर्ड, लकड़बग्घा, बाघ, बाइसन और गौर आदि।
सफारी में हम अपनी आंखों को ट्रीटते ही रहते कि हम देखते हैं एक अनएक्सपेक्टेड नजारा जो हम कभी सोचे ही नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, एक लियोपर्ड। सडनली उसको देख के काफी शौक में थे, कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर बाहर आके खुशी से बहुत चिल्लाए थे। जंगल सफारी का अंतिम पड़ाव पार्वती टुंग का वॉच टावर है, जो झील के किनारे पे स्थित है। यहाँ चौपाती नाम का एक छोटा सा कैफे है जो मसाला चाय परोसता है और हर चाय प्रेमी के चेहरे पे मुस्कान लाता है। सफारी से नेचर कैंप लौटते वक्त अंधेरा हो गया था और तभी हमें मिलते हैं हिरन के एक झुंड जो कि देख के सोने पे सुहागा हो गया। तो दोस्तों अभी सफारी वगैरह घूमना खाना पीना सब हो गया और स्नैक्स भी कर लिए हैं इवनिंग का, और उसके बाद अभी हम प्लान कर रहे हैं बारबेक्यू का, जो सुबह तैयार करके लाए थे मैरिनेट करके, उसको हम अभी रोस्ट करेंगे। तो उस तैयारी थोड़ा कर रहे हैं, ऑल सेट फॉर बारबेक्यू और मज़ा आ जाएगा। इतने सारे जानवर को देखने के बाद अभी हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी करते हैं। आंखों को तो ट्रीट मिल ही गई थी, पर अभी बारी थी मुंह का। हमारा बारबेक्यू का ये देसी जुगाड़ कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए। रात को धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही थी तो वन फायर का जुगाड़ भी हो गया। ऑल क्रेडिट्स गोज़ टू द स्टाफ्स ऑफ देवरीगढ़ नेचर कैंप। इन द लास्ट वीक ऑफ द नवंबर अभी यहाँ ठंड पड़ना शुरू हो गया है और राइट नाउ आप जैसे देख रहे हो हमारा वन फायर चल रहा है और उसके साथ कुछ बारबेक्यू का भी प्रिपरेशन किया गया है। तो अब जब भी प्लान कर रहे हो ना देवरीगढ़, तो ये सब यहाँ पे ऑप्शन लिमिटेड है क्योंकि लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ इंक्लूड है आपके पैकेज में। तो आप अपना खुद का सामान लेके आइए या यहाँ आके पहले से इन लोग को बोल दीजिए क्या प्रिपरेशन करना है। यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे वो लोग, आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। हमारा पहला पहला लॉट निकल चुका है, उसको हम थोड़ा गार्निशिंग कर रहे हैं। हाँ ठीक है, एक खाना खाने के बाद एक अच्छा बीता हुआ दिन का ग्रैटिट्यूड करके हम सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो और हमारी मॉर्निंग की शुरुआत ऐसे हुई है, हम यहाँ पे एक टावर है, एक्चुअली 5 मंजिला टावर है, वहाँ पे हम निकल ही रहे थे और हमें ये मिला। एसी ये जो टावर है 5 स्टेयर की, इसके ऊपर जाना है। Mm-hmm.
लेट मी सर्व यू। देवरीगढ़ सेंचुरी पूर्व और उत्तर में हीराकुद जलाशय के विशाल मानव निर्मित जल निकाय से घिरा हुआ है। ये सेंचुरी इस प्रकार राज्य में स्थलीय और जलीय जैव विविधता दोनों का समर्थन करने वाला कुछ चुनिंदा अभयारण्यों में से एक बन गया है। सनराइज देखने के बाद जब हम नेचर कैंप में टहल रहे थे तो हमें मिलती है और एक सरप्राइज, एक उल्फ जो हमारे आंख से आंख मिला के खड़ा हुआ था। और उसके साथ एक प्यारा सा पेंगोलिन। बड़ी दुख की बात है कि पोचिंग की वजह से आज के समय में ये विलुप्त होने के कगार पे हैं और शायद हमारी अगली जनरेशन इसको सिर्फ तस्वीरों में देख पाएंगे। फिर आते हैं डाइनिंग हॉल ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद कुछ पल बिताते हैं कुछ मोरनी के साथ। तो दोस्तों अभी हम बोट में जाएंगे वेट आइलैंड, जो मतलब हमारी बुकिंग में ये पैकेज इंक्लूड है, बोटिंग करके स्पीड बोट से जाएंगे वेट आइलैंड। तो आइए दिखाते हैं आपको कैसा है। हमने लाइफ जैकेट पहनी और सनसेट आइलैंड और केटल आइलैंड से गुजरते हुए झील पर 2 घंटे की यात्रा की। यहाँ एकमात्र रुकने की अनुमति मछुआरा के द्वीप बेट आइलैंड पर है, जो भारत के सबसे बड़ी चमगादड़ प्रजाति इंडियन फ्लाइंग फॉक्स का घर है। तो दोस्तों अभी हम हैं बेट आइलैंड में और यहाँ के एंट्रेंस पे कुछ ट्राइबल पीपल रहते हैं जो कि कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं फिशिंग पे। यहाँ आपको एक निश्चित दूरी तक ही चमगादड़ों को देखने का इजाजत है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, और चमगादड़ों को देखने के लिए बायनाकुलर अवेलेबल किया जाता है। मॉनसून के समय ये आइलैंड पानी में डूब जाता है, उसके अलावा आप किसी भी समय यहाँ आ सकते हो। बेट आइलैंड इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मैन मेड्स वाइल्ड। हेलो एवरीवन, तो फाइनली हमारा देवरीगढ़ का ट्रिप जो है आज कंप्लीट हो रहा है।
तो मेरे साथ जो है डेब्रीगढ़ और नेचर कैंप का स्टाफ है सुब्रत भैया, आइए मिलते हैं उनसे सर। तो आपको जितना भी सर्विसेज चाहिए ना, आपको बहुत सारा अच्छा सर्विस आपको प्रोवाइड करके देंगे। और जब भी आ रहे हो यहीं पे, इनसे मिलिए, इज ए वेरी डिसेंट स्टाफ। तो एक बार प्लीज आप जब भी डेब्रीगढ़ विजिट कर रहे हो तो इनका सर्विस लेके देखिए, बहुत बहुत अच्छा सर्विस है यहीं पे।